अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल रज़ाली ऑफिशियल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अल जन्नत से। ये हमने एक पैक मंगवाया था, इसमें खोया बर्फ़ी भी है और अखरोटी सोन हलवा भी है। इसमें देखेंगे, आपको बताएंगे, इसको खोलेंगे अभी, चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या टेस्ट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा माइक कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए मेरा जो वीडियो में साउंड था ना वो बिल्कुल ख़त्म है और मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर किया हुआ है। खोलते हैं इसको, आ जाएं। अच्छा, ये देखें, इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की भी है। ये एक डब्बा है, इसको आपके सामने ही खोलूँगा मैं बिल्कुल, तो इसको खोलते हैं अभी। ये देखें, इसके अंदर से ऐसे इस तरह के दो डब्बे निकलते हैं। एक ऐसा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई है इसके ऊपर। एक प्रीमियम चीज़ समझ आती है कि कोई वाकई में कोई चीज़ आई हुई है। अब इन ये ऐसे पैक हुए हुए थे, ये शॉपर्स मैंने उतारी हैं अभी, तो अभी इनको मैं आप ही के सामने खोल आपके सामने ही खोलूँगा, खोल के देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा कि इसके अंदर किस तरह की, किस क्वालिटी की हमें खोया बर्फ़ी और अखरोटी सोन हलवा इसमें हमें मिला है। देखते हैं, खोलते हैं इसको। जी, हमने खोल दिए मिठाई के डब्बे, अभी देखते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है मैं उसको क्या कह रहा था, मैं शायद तारीफ ही कर रहा हूँ यकीनन, क्योंकि आवाज़ जो है वीडियो की म्यूट हो चुकी थी। माजत के साथ चलें, आए मिठाई के डब्बे देखते हैं। ये हमारी खोया बर्फ़ी और ये बहुत अच्छी लग रही, यकीन माने मैं नहीं बता सकता था वीडियो में उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं, और मेरे कमरे में लाइट बहुत कम है, तो इसके लिए जो ना आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है ये। बहुत 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 कोई आला खुशबू और आला क्वालिटी थी इसमें, यकीन माने ये कोई पैड वीडियो नहीं है। मैंने जैसे ऐसे ही रिव्यू डाला था, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से, गौर से फोकस करके, कैमरा को फोकस करा के दिखाऊँ कि आपको नज़र आ जाए कि बिल्कुल साफ़ सफाई से एक चीज़ बनी हुई थी। और देखें, क्वालिटी नज़र आती है बनी हुई, फील होता है आपको कि हाँ वाकई कोई चीज़ मंगवाई है आपने। लेकिन माने ये मैंने ऑर्डर की थी और ये सैटरडे संडे बीच में आ गया था, उनको छोड़ के ये तीसरे दिन मेरे पास डिलीवर हो चुका था और मैं काफ़ी दूर हूँ इनके जो ना स्टोर से, काफ़ी दूर हूँ। खैर, मैं इनको खोलूँगा, खोल भी लिया था, लेकिन अभी मैं अकेला नहीं खा सकता। मैं घर वालों को भी पता था, उनको पता था कि हलवा आना है, बर्फ़ी आनी है, उनके साथ जाके ये खाएंगे और यकीनन जितना टेस्टी ये दिख रहा है उतना खाने में भी होगा। और मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर किया था, मुझे नहीं पता था माजद के साथ कि मैं उसको क्या कह रहा था, क्या चल रहा था उस वक्त, जो भी मेरे फीलिंग्स और एक्सप्रेशन थे उस वक्त मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं माजा चाहता हूँ आप दोस्तों के। बस ये एक छोटा सा रिव्यू था, मैंने मंगवा लिया तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ, मंगवा लेंगे तो अच्छा होगा। चलें, टाटा बाय बाय, हाफिज़।